सर ये बात जमीन विवाद से संबंधित है सर, और मेन है सर ये आपके गांव के कल्याण विभाग के हैं और जो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी गोतिया वहां अपन गोतिया वहां निकाल करके वहां जाते हैं बोले मुंडागर्दी कर रहे हैं सर। जब हम कहते हैं कि केस लगा के आप जीत लीजिए सब कुछ लीजिए तरह तरह का तरीका अपना करके हम तंग तंग किए हुए मार दिए इससे तंग तंग किए हुए हम सर। जहाँ बंदी वाला है सर वो जो है सोमवार को जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में एक ऐसा मामला सामने आया कि सीएम नीतीश भी दुविधा में पड़ गए। दरअसल बिहार के अलग अलग जिलों से आए लोग सीएम के सामने अपनी शिकायत रख रहे थे। सीएम नीतीश कुमार बारी बारी से फरियादियों की शिकायत सुन रहे थे। इस दौरान नालंदा से आए एक शख्स ने सीएम नीतीश से कहा, आपके गांव कल्याण बिघा के गोतिया भाई आपके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके नाम का धौंस दिखाकर अवैध कब्जा कर रहे हैं, आप इस पर संज्ञान लीजिए। सर ये बात जमीन विवाद से संबंधित है सर, और मेन है सर ये आपके गांव के कल्याण विभाग के हैं और जो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी गोतिया वहां अपन गोतिया वहां निकाल करके वहां जाते हैं बोले मुंडागर्दी कर रहे हैं सर। जब हम कहते हैं केस लगा के आप जीत लीजिए सब कुछ लीजिए तरह तरह का तरीका अपना करके हम तंग तंग किए हुए मार दिए इससे तंग तंग किए हुए हम सर। जहाँ बंदी वाला है सर वो जो है मुख्यमंत्री ने उस शख्स की पूरी बात बड़े ही गौर से सुनी और इस बीच सीएम ने एक शब्द भी नहीं बोला और उन्होंने फरियादी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के पास भेज दिया। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत सीएम नीतीश कुमार हर महीने के पहले 3 सोमवारों को बिहार के कोने कोने से आए लोगों की शिकायतें सुनते हैं। सीएम कल पुलिस और जमीन से जुड़े मामलों की शिकायत सुन रहे थे। मुख्यमंत्री एक दिन में आमतौर पर करीब 150 लोगों की शिकायतें सुनते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए ये सीमा निर्धारित की गई है। गौरतलब हो कि जनता दरबार में आने के लिए आवेदक को पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही अपॉइंटमेंट मिलने पर जनता दरबार में आना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।